अर्गोनॉमिक्स बेसिकली होता क्या है, इट्स रिलेटेड स्टडी ऑफ वर्क परफॉर्मेंस विद योर वर्कर सेफ्टी एंड प्रोडक्टिविटी। आपके जो काम है आपकी उससे जो है, जो आप काम कर रहे हो, वर्क परफॉर्मेंस दे रहे हो, उससे आपकी वर्क सेफ्टी और प्रोडक्टिविटी है, जिसके अंदर जो है सेफ्टी के साथ और प्रोडक्टिविटी के साथ आप जो काम कर रहे हो, वर्क परफॉर्मेंस कर रहे हो, उसकी पूरी स्टडी को एर्गोनॉमिक्स कहते हैं। जैसे एग्जांपल के आप जैसे ये जो पिक्चर्स शो कर रही है कि अगर ये फीमेल्स हैं वेट लेकर, अब डेफिनेटली एक केजी का तो वेट नहीं होगा ना, ये 50 केजी का वेट उठाकर अपने सर पे हाउ टू वॉक, कैसे वो वॉक कर रही है, वो कैसे वॉक कर रही है और इतना वजन उठाकर वो जो अपनी वर्क परफॉर्मेंस दे रही है, जैसे इस पिक्चर में शो हो रहा है कि अपनी बॉडी को बिना डैमेज किए हुए कैसे वो अपना वर्क परफॉर्मेंस दे रही है, तो उसको क्या बोलते हैं, उस स्टडी को क्या बोलते हैं, ऑर्गोनॉमिक्स। कैसे की ठीक है, हम इंट्रोडक्शन ऑर्गोनॉमिक्स का है कि होता क्या है, होता क्या है, इट्स अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ द ह्यूमन कैपेबिलिटी लिमिटेशन रिलेटेड टू द वर्क डिमांड। आपका जो बॉडी है जितना वो वर्क डिमांड ले रहा है या उसके अंदर लिमिटेशन कितनी है, उसकी उसकी साइंटिफिक स्टडी को क्या बोलते हैं, ऑर्गोनॉमिक्स। इसका इसका एम क्या होता है, जो टास्क है आपके जो ह्यूमन की सेफ्टी, हेल्थ, कंफर्ट और परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करे, टेक्निकल सिस्टम्स जो होते हैं उनको डिजाइन करने के लिए, जैसे सिटिंग के लिए चेयर है ठीक है, तो चेयर की जो ऑर्गोनॉमिक है, चेयर की जो डिजाइनिंग है, जो उसकी अप्लायंसेस है और चेयर के ऊपर जो टेक्निक अप्लाई की हुई है, उससे क्या होता है, आपकी जो सेफ्टी है, डेफिनेटली आप जब बैठते हो तो आप चेयर पे सेफ रहते हो और आपकी बॉडी के अंदर जो है, आपकी बॉडी जो है थ्रू द ग्रेविटी जो फोर्स होते हैं वो भी कम हो जाते हैं और स्टैंडिंग से ज्यादा आप कंफर्टेबल भी आप क्या होते हो, सिटिंग के अंदर होते हैं। तो ऐसे ही दिस इज कॉल्ड, उसके अंदर जो स्टडी होती है पूरी, उस स्टडी को वैसे भी ऑर्गोनॉमिक्स बोलते हैं ठीक है, दिस इज कॉल्ड ऑर्गोनॉमिक्स। इंटरनेशनल ऑर्गोनॉमिक्स एसोसिएशन के डेफिनेशन क्या है, बेसिकली ऑर्गोनॉमिक्स का मतलब ही होता है ह्यूमन फैक्टर्स, इट्स अ साइंटिफिक डिसिप्लिन कंसर्न्ड विद अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंटरेक्शन अमंग द ह्यूमन एंड अदर एलिमेंट ऑफ द सिस्टम एंड द प्रोग्रेशन, दिस इज द एलिमेंट बेसिकली ठीक है, element of the system and the profession that applies theory, principle, data and the method design in order to optimize the human well-being and overall the system. ये internally international ergonomic association की definition है कि उन्होंने बोला है कि जो ergonomics और go और ergonomics का मतलब ही human factor है ठीक है, इसकी साइंटिफिक जो कंसर्न है वो किससे करता है, जो ह्यूमन बॉडी के अंदर और जो सिस्टम के अंदर जो है आपकी इंटरेक्शन हो रही है ठीक है, जो थ्योरीज और प्रिंसिपल और डेटा और मेथड डिजाइन की हुई है, उस सारे वेलबींग और ओवरऑल सिस्टम परफॉर्मेंस को क्या बोलते हैं, ऑर्गोनॉमिक्स बेसिकली बोलते हैं ठीक है। जैसे मैंने आपको चेयर का वो दिया था एग्जाम्पल दिया, एडीएल जो होते हैं आपकी जो होती है वो बेसिकली ऑर्गोनॉमिक्स के अंदर आती है, जो डेली लाइफ एक्टिविटी होती है आपके घर के अंदर हो, आपके वर्क प्लेसेस के अंदर हो, जैसे ऑर्गोनॉमिक्स होता क्यों है, इम्पोर्टेंस के आगे है, इम्पोर्टेंस क्यों है कि कुछ सम एक्टिविटीज जो डेली लाइफ एक्टिविटीज है वर्क प्लेसेस के अंदर इम्प्रॉपरली कैरीड आउट होती है, मतलब स्लो डेवलपमेंट ऑफ द इंजरीज बिकॉज ट्रेंड टू एडजस्ट, उसका मतलब है कि आपके वर्क प्लेसेस के अंदर जैसे कंप्यूटर वर्क्स होते हैं जो लैपटॉप के काम करते हैं, या मतलब इंडस्ट्रीज के अंदर जैसे या लेबर होते हैं इतने वेट उठाते हैं, तो कुछ डेली एक्टिविटीज जो होती हैं वर्क प्लेसेस के अंदर जो है वो क्या करती हैं,
इंजरीज बॉडी के अंदर स्लोली डेवलपमेंट इंजरीज करती हैं, जैसे वर्क एनवायरमेंट उनका होता है, उनके अंदर जो एक जो है वर्क प्लेसेस के अंदर जो है बहुत सारे फैक्टर्स कॉज होते हैं, तो इकोनॉमिकली डेली एक्टिविटीज जो वर्क प्लेसेस के अंदर है कि इंजरीज कॉज कर सकती हैं, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट टू जो है आपकी रिपीटेटिव वर्क, जो जैसे मजदूर है, अब रोज वो बेचारा काम करता है, वो इतना ही रोज वेट उठाता है, तो डेफिनेटली उसके अंदर क्या होगा, बॉडी के अंदर रिपीटेटिवली इसके अंदर क्या होगा, टाइम टू टाइम क्या होगा कि कम्यूटेटिव डिसऑर्डर या रिपीटेटिव स्ट्रेन इंजरीज जो हो जाएंगी। जैसे अगर हम इसी बात करें, अवॉइड द टाइट एंगल, कि जैसे टाइटली एंगल कि आप चेयर पे बैठे हो तो एक चेयर अनकंफर्टेबल आती है, एर्गोनॉमिकली उसकी अरेंजमेंट नहीं होती तो उसकी जो टाइटनेस होती है तो उसको चांसेस है कि एल्बो की इंजरीज होना, रिस्क को बैंड अपवर्ड करना अवॉइड करें, प्रेशर जो है आपका, जैसे ये पोजीशन है, ये पोजीशन एक चेयर की फॉर एग्जांपल है, यहाँ से भी प्रेशर लग रहा है, यहाँ से भी प्रेशर लग रहा है अगर रिस्क को, तो उसके चांसेस है कि रिपीटेड स्ट्रेन इंजरीज हो जाए, ठीक है। ऑर्गोनॉमिकली जो अनसेफ, अनहेल्दी, अनकम्फर्ट, इनसफिशिएंट सिचुएशन वर्क के अंदर डेली लाइफ होती है, मस्ट अवॉइड करनी चाहिए। फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल कैपेबिलिटीज होती हैं और लिमिटेशन ऑफ ह्यूमन की वो चांसेस होती है, उसकी वजह से रिपीटेटिव इंजरीज हो जाती है। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं आपके ऑर्गोनॉमिक्स के अंदर प्ले करते हैं, वो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो आपके ऑर्गोनॉमिक्स के अंदर प्ले करते हैं, आपका बॉडी पॉस्चर, मूवमेंट, एनवायरमेंटल फैक्टर, इंफॉर्मेशन ऑपरेशन, वर्क ऑर्गेनाइजेशन, ये जो चीजें होती है ना आपके ऑर्गोनॉमिकली जो है ना आपके बहुत प्ले वो करती है, रोल करती है ऑर्गोनॉमिकली। जैसे हम सिटिंग की बात करें, स्टैंडिंग, लिफ्टिंग, पुलिंग, पुशिंग की बात करें, जैसे मैंने सिटिंग की बात की, चेयर कि आपको डेफिनेटली एक गुड पोस्चर के अंदर बैठना भी उतना ही जरूरी है जितना एक पोस्चरल अलाइनमेंट के साथ जहां से सेंटर ऑफ ग्रेविटी पास होती है बॉडी की, उसमें भी स्टैंडिंग होना, उसी पोस्चर के अंदर स्टैंडिंग होना जिसके अंदर आपको लोड ना पड़े। जैसे बहुत सारे लोग जो है इंटीरियर पेल्विक टिल्ट जो है, मैं हमने पढ़ा था इंटीरियर पेल्विक टिल्ट और पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट क्या होता है, इंटीरियरली पेल्विस स्टेबिया जिनका लॉर्ड ऑफ लॉर्डोसिस होता है और लंबर लॉर्डोसिस होता है, उनकी पोजिशनिंग क्या होती है, स्टैंडिंग की रॉन्ग होती है, तो ऐसे क्या होता है बैड पोस्चर की वजह से, ऑर्गोनॉमिक डिस्टर्बेंस की वजह से क्या होता है, रिपीटेटिव इंजरीज होती है हिप जॉइंट के ऊपर, पेल्विस के ऊपर, ठीक है। ऐसी लिफ्टिंग जब करते हैं तो यू शुड हैव कि आपका जो बेस ऑफ सपोर्ट ज्यादा हो, अगर आप अपना जो है फ्लेक्शन करके आपकी जो लंबर है और आपने ऐसे ही हाथ को एक्सटेंड करके आपने वेट उठाया है तो डेफिनेटली वो क्या करेगा, इंजरी स्टॉप करेगा। और अगर आपने बैठ कर बेस ऑफ सपोर्ट बनाकर और आपने अपने एल्बो जॉइंट को फ्लेक्शन में मूवमेंट में करके, तो ऑर्गोनॉमिकली उसके अंदर क्या होंगे, जो रिपीटेटिव इंजरीज है वो कम होंगी, ठीक है। एनवायरमेंटल फैक्टर की बात करें जिसके अंदर नॉइज, वाइब्रेशन, इल्यूजन, क्लाइमेट, केमिकल सब्सटेंस बहुत आपके बॉडी के ऊपर और ऑर्गोनॉमिक्स के ऊपर, एनवायरमेंटल फैक्टर की बात करें तो रुचि, पर्सन हु आर वर्किंग इन द केमिकल इंडस्ट्रीज की बात कर रहे हैं हम, कि डेफिनेटली अगर कोई बंदा है रोज ही वो अपने जो केमिकल इनटेक कर रहा है और मास्क नहीं वेयर कर रहा है, उसके प्रिकॉशंस नहीं ले रहा, ऑर्गोनॉमिकली वो है, तो डेफिनेटली उससे क्या होगा, चांसेस ऑफ द रिपीटेटिव इंजरीज। इंफॉर्मेशन ऑपरेशन की बात करें कि कंट्रोलिंग बिटवीन डिस्प्ले एंड कंट्रोल, मतलब कंप्यूटर वर्क्स की बात कर रहे हैं, वर्क ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि इंटरेस्टिंग जॉब अगर नहीं है तो डेफिनेटली शोज द रिपीटेटिव इंजरीज। इट्स नॉट ओनली फिजिकली, इट्स ऑल्सो कंसर्न विद द साइकोलॉजिकली, मेंटली हेल्थ की भी बात कर सकते हैं, ठीक है। अब ऑर्गोनॉमिकली अगर एक फर्म है और उसे बहुत ज्यादा काम लिया जा रहा है तो उसको उसके प्रॉपरली उसकी जो है ना जो एक्ट है उसकी जॉब है लेकिन ना भी प्रोवाइड उसको प्रॉपरली उसको ना सैलरी दे रहा है, तो इट मीन्स द डिस्टर्बेंस ऑफ द ऑर्गोनॉमिक्स ऑल्सो, ठीक है।
उसको चांसेस है साइकोलॉजिकली इंजरीज हो। ऑर्गोनॉमिकली वेरियस फील्ड के अंदर ह्यूमन साइंस टेक्नोलॉजी के अंदर नॉलेज ड्रॉ करता है, जिसके अंदर एंथ्रोपोटिक जैसे जिसकी सेट की बात करें, जिससे बायोमैकेनिक्स, फिजिकली फिजियोलॉजी, जैसे हमने बायोमैकेनिक्स की बात करें कि आपकी अलाइनमेंट बहुत जरूरी है, साइकोलॉजिकली टेक्नोलॉजिकली मैकेनिकल इंजीनियर, इंडस्ट्रियल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट जो कंप्यूटर वर्क करते हैं, जो IT के बंदे होते हैं। ठीक है, ऑर्गोनॉमिक्स क्या होता है बेसिकली, जिसको डेफिनेटली ऑर्गोनॉमिक्स वो होते हैं जिनको नॉलेज हो ऑर्गोनॉमिक्स की, वो प्रॉपरली गाइडलाइन कर सके ऑर्गोनॉमिक्स की, डिजाइन कर सके परचेज मैनेजमेंट एम्प्लॉय को कैसे करना है। ठीक है, दे आर द अदर एक्सपर्टीज डिसाइड द प्रोफेशनल ऑर्गोनॉमिक्स हु द नॉलेज द मेथड एंड द टेक्निक, जिसके अंदर इंडस्ट्रियल इंजरीज, डॉक्टर्स, फिजियोथेरेपिस्ट, नर्स जो है आपकी, इंडस्ट्रीज हाइजीनिक, इंडस्ट्रीज साइकोलॉजिस्ट, इंडस्ट्रियल डिजाइनर, ये आपके अदर देन जो ऑर्गोनॉमिक्स है वो भी आपके क्या टेक्निक्स और मेथड के ऊपर काम करते हैं। ऑर्गोनॉमिक्स जो है जब ह्यूमन स्टार्ट डिजाइनिंग मेकिंग थिंग देयर यूज, एग्जाम्पल चेयर, ऑर्गोनॉमिक्स स्टडी के अंदर चेयर, पहले जो चेयर लॉन्ग जो है स्क्वाटिंग और क्रॉस लेग के साथ आइदर लाइंग एंड क्रॉस लेग, मोस्टली लाइक डिड नॉट एक्सपीरियंस बैक पेन एंड नेक पेन लाइक वी डू नाउ। डेफिनेटली पहले के लोग जो होते थे उनको ज्यादा इंजरीज नहीं होती थी, क्योंकि दे हैव के उनको पता होता था कि हाउ टू सिट, हाउ टू। अब नाउ डेज इट्स वेरी कॉमन के अर्गोनॉमिकली चेयर जो है जैसे ग्रेविटी आपकी प्रॉपरली पास हो जाए, जैसे ऑफिस वर्कर्स होते हैं जो सिटिंग, जैसे बैंकर्स की बात करें उनके ज्यादा होता है, कंप्यूटर वर्क की बात करें उनके ज्यादा होता है, कॉल सेंटर्स के अंदर जो लोग काम करते हैं उनका बैठना ज्यादा होता है, तो दे हैव नॉट द कंफर्टेबल चेयर्स, उनकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो अलाइनमेंट सही नहीं होती, डेफिनेटली किसी का बैक होता है, किसी की हाइट तो सही नहीं होती, और ऐसे ही भी क्या होती है बेसिकली चांसेस ऑफ द इंजरीज। ठीक है, मोस्ट लाइकली डिड नॉट एक्सपीरियंस। ऑर्गोनॉमिक्स वाज क्वाइंड मच लेटर अप्रोक्स 5 to 6 डिकेज अगो। This is a backrest is a provide for the low back support के जो अगर for example low back के किसी को low back है तो backrest उसे provide करना चाहिए definitely। This is a lumbar support के उसका lumbar जो है supportive होना चाहिए, height adjustable होनी चाहिए कि अगर for example कोई short heighted है, long heighted है तो अपने हिसाब से height adjust कर सकता है। 5 base moves जो है ना, 5 posture on roller होने चाहिए, easy to reach, control करना चाहिए, होना चाहिए, pad arm adjustment के लिए कि यहाँ से force ना लगे, कि wrist के ऊपर force तो नहीं लग रहा और आपके elbow के ऊपर force तो नहीं लग रहा, इसी तरह से उसको नहीं होना चाहिए, it's have a arm adjustability होनी चाहिए। This is a basically sub back rest for the good जो है low back support। न्यू इंडस्ट्रीज ऑफिस वर्क प्लेसेस जो है टेक्निकली ऑर्गोनॉमिक्स प्रॉब्लम जो है ना उनके अंदर काम आ रहा है। 5 जो प्रिंसिपल होते हैं ऑर्गोनॉमिक्स के मस्ट बी ऑर्गेनाइज होने चाहिए इन एरियाज के अंदर, वो कौन कौन से हैं, मेन जो प्रिंसिपल हैं आपके ऑर्गोनॉमिक्स के वो कौन से हैं, सेफ्टी होनी चाहिए, कम्फर्ट होना चाहिए, इजी टू यूज, प्रोटेक्टिवली परफॉर्मेंस होनी चाहिए, एथलिस्टिक होनी चाहिए। ठीक है, ये 5 प्रिंसिपल है ऑर्गोनॉमिक्स के जो मस्ट भी होने चाहिए। ठीक है, दिस इज द रिस्क ऑफ इग्नोरिंग ऑर्गोनॉमिक्स, जब आप ऑर्गोनॉमिकली इन फैक्टर्स को, इन 5 जो मेन प्रिंसिपल है इनको इग्नोर करते हैं तो क्या क्या हो सकता है। ठीक है, मल्टीपल जो है वो हो सकते हैं डेफिनेटली, अगर कंप्यूटर वर्क है और आपकी आई टू द कॉन्टेक्ट है तो आपकी आईज तो खराब हो सकती है लेकिन नेक पे पेन हो सकता है। एर्गोनॉमिकल प्रिंसिपल को अगर आप इग्नोर करते हैं तो क्या क्या चांसेस है, बैक रिस्क के अंदर, नेक एग, एल्बो ज्वाइंट के अंदर, ठीक है, दीज आर द मल्टीपल जो सिस्टमिक डिसऑर्डर्स जो है आपके इग्नोरिंग, अगर एर्गोनॉमिकल प्रिंसिपल को आप इग्नोर करेंगे तो ये चांसेस है क्या क्या हो सकते हैं।
टाइप ऑफ ऑर्गोनॉमिक्स क्या होते हैं, फिजिकली ऑर्गोनॉमिकल परफॉर्मेंस, जैसे चेयर की बात की, कॉग्निटिव ब्रेन की बात करते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल ऑर्गेनाइजेशनल ऑर्गोनॉमिक्स क्या होती है, दे आर द बेसिक टाइप ऑफ द ऑर्गोनॉमिक्स. फिजिकली ऑर्गोनॉमिक्स क्या होती है, बेसिकली दिस कंसर्न विद द ह्यूमन एनाटॉमी, जिसके अंदर फिजियोलॉजी, बायोमैकेनिकल जो होती हैं और एंथ्रोपोमेट्रिक जो होते हैं, आपके कंसर्न जो होते हैं आपके फिजिकल एक्टिविटी से, जितनी भी फिजिकल एक्टिविटी रिलेटेड आपके ऑर्गोनॉमिकली कंसर्न हो, जैसे फिजिकली एंड फिजियोलॉजिकल वर्कलोड आपके ह्यूमन बॉडी के अंदर जितने भी पॉइंट है, उसको आप कैसे उसको ऑर्गोनॉमिकली कैसे सही कर सकते हैं आप, ठीक है. दिस इज कॉल्ड फिजिकल, जितने भी फिजिकल कंसर्न है, फॉर एग्जाम्पल चेयर की बात करें, आपको फिजिकल लोड कितना पड़ रहा है, अगर आप सिटिंग और स्टैंडिंग की बात करें, मूवमेंट की बात करें, और जो है वर्कर्स जो होते हैं जो ज्यादा बैठते हैं, ज्यादा स्टैंडिंग का काम होता है, बेस ऑफ सपोर्ट नहीं होता, या जो लोग बड़ी बड़ी बिल्डिंग के ऊपर जो लटक के काम करते हैं, उनके अंदर भी चांसेस होते हैं कि डिसऑर्डर्स और रिपीटेटिव डिसऑर्डर्स हों. जितने भी फिजिकली कंसर्न होंगे, बायोमैकेनिकल करेक्टर्स होंगे, कि अगर फॉर एग्जाम्पल डिस्क है और उसका प्रॉपरली जो डिस्क का वो जो है उसकी जो अपीयरेंस है, अगर आप उसको सही से नहीं कर रहे तो डेफिनेटली उसके अंदर चांसेस है कि एनाटॉमिकली कि उसका बैलेंस ना हो. जितनी भी फिजिकल की बात होगी वो फिजिकल ऑर्गोनॉमिक्स के अंदर आएगा, ठीक है. दिस इज कॉल्ड द, ये देखिए वेट, वेट लिफ्ट. अब बंदा क्या कर रहा है, आपका वेट जो है उसका वेट जो है वेट जो है वो उठाना चाह रहा है, लेकिन अपना बेस ऑफ सपोर्ट बनाएगा तो डेफिनेटली जो है कैरी कर पाएगा. दिस इज कॉल्ड द फिजिकली, आप अपने बॉडी के इंटरेक्शन जो है वर्क लोड के अंदर, जो चेयर शॉप कंप्यूटर की बात करें तो जो आपके फिजिकली वर्क होगा, वर्क पोस्चर की बात करें, हैंडलिंग रिपीटेटिव मूवमेंट, वर्क रिलेटेड मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर, वर्क प्लेसेस के अंदर सेफ्टी और हेल्दी, जितने भी आपके फिजिकली काम के अंदर जितनी भी चीजें आएंगी वो आपके फिजिकली ऑर्गेनाइज के अंदर आएंगे. दिस इज द टाइप यूज टू बेस्ट डिस्क्राइब द फिजिकल इंजरीज, जो ओवर यूज सर्टेन मसल और ज्वाइंट और टेंडन के अंदर आपके आईज इन द वर्क प्लेसेस के अंदर यूज होती है. दिस इज बेसिकली फिजिकली जो आपकी इंजरीज हैं, जो आपके मसल ओवर यूज की वजह से, ज्वाइंट टेंडन ओवर यूज की वजह से, आपके आईज वर्क प्लेसेस के यूज की वजह से ज्यादा काम आंखों का काम होता है, कंप्यूटर के ऊपर है, तो चांसेस है कि उसकी इंजरीज फिजिकली जितनी भी आपको दिख रही है इंजरीज, ठीक है. दिस इज कॉल्ड द फिजिकल रिपीटेटिव स्ट्रेन इंजरीज फ्रॉम रिपीटिशन, वाइब्रेशन, फोर्स एंड पोस्चर फॉल इनटू द कैटेगरी. जैसे फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर की बात करें, कीबोर्ड, माउसिंग, व्यूइंग द कंप्यूटर स्क्रीन, स्क्रीनिंग. ऑर्गोनॉमिकली आप योर वर्क स्टेशन शुड बी कंपेटिटिवली योर बॉडी टू अवॉइड इंजरीज, ठीक है. इसको एडिट कर लीजिएगा, स्पेस है सिर्फ, जस्ट और कुछ भी नहीं. Yeah, this is called the physical ergonomics. Okay, ये समझ आया आपको क्रॉसिंग. Cognitive, जहां पे भी आप वर्ड पढ़ेंगे, इट मीन्स मेंटल. इसका मतलब है कि आपकी कंसर्न विद द मेंटल प्रोसेस, जैसे सच एज परसेप्शन, मेमोरी, रीजनिंग, मोटर रिस्पॉन्स, जो ह्यूमन के अंदर और अदर रिलेटेड सिस्टम के अंदर इफेक्ट करे, मेंटली इफेक्ट करे, कि आपके अंदर मेंटली कैपेबिलिटी है कि आप सिर्फ 40 मिनट तक लेक्चर ले सकते हैं, ठीक है. अगर वो 40 मिनट का लेक्चर जो है 2 आवर्स तक जाए, तो इट मींस दिस इज नॉट के मेंटल, जो मेंटली ऑर्गोनॉमिक्स आपके मेंटल प्रोसेस है, आपके अंदर ह्यूमन बींग की जो कैपेबिलिटी है, आपके ब्रेन की कैपेबिलिटी है, वो सिर्फ 40 मिनट तक है, ठीक है. उसके बाद जो है यू नीड टू बी है गैप, उसके बाद यू नीड टू बी अ रेस्ट. अगर वो रेस्ट नहीं मिल रहा और कंटिन्यू जो है आपका जो है मेंटली
प्रोसेस चल रहा है और एग्जाम्पल दे रही हूँ कि आप लेक्चर ले रहे कंटिन्यू, देयर इज अ नो गैप, तो इससे चांसेस कि आपको मेंटली जो है कंसर्न हो, डिसऑर्डर्स हो, जिसके अंदर भी मेंटल प्रोसेस की कंसर्न होगी, मेमोरी रीजनिंग की कंसर्न होगी, उसका अंदर दिस इज कॉल्ड द कॉग्निटिव वर्कलोड। जैसे इंक्लूडिंग इसके अंदर क्या क्या आएगा, मेंटली वर्कलोड, डिसीजन मेकिंग, किलिंग किल परफॉर्मेंस, ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन, ह्यूमन रिलायबिलिटी, वर्क स्ट्रेस, स्ट्रेन रिलेटेड टू द ह्यूमन सिस्टम, मेंटल स्ट्रेन फ्रॉम द वर्कलोड, डिसीजन मेकिंग, ह्यूमन एरर्स, स्टेयरिंग फॉल इनटू द कैटेगरी। इसका मतलब है कि मैनेजर्स जो होते हैं, जिनके ऊपर इंडस्ट्रीज के मैनेजर हो गए, फाइनेंशियली फाइनेंस के मैनेजर हो गए, दे हैव अ मेंटली वर्कलोड, उनके ऊपर जो है दे हैव अ मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो प्रॉपरली जो है ना उसको वर्कलोड से जो डिसीजन मेकिंग ना कर पाए, ह्यूमन एरर की वजह से कि उसको they have not capability to decide okay, what is the wrong, what is the right, decision making basically, okay, this is called the cognitive ergonomics. Organizational ergonomics क्या होता है, आपका social technical system के अंदर concerned हो, इसका मतलब है आपको policies, process, organization का मतलब है कि worker है उसका वर्क प्लेस और जॉब डिजाइन, इसका मतलब ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहा है कोई, उसी जो सोशल टेक्निकल सिस्टम है उसको ऑर्गोनॉमिकली प्रॉपर होना भी बहुत जरूरी है, जिसके अंदर आपकी वर्क डिजाइन, वर्क टीम वर्क, पार्टिसिपेशन डिजाइन, कम्युनिटी ऑर्गोनॉमिक्स, कोऑपरेटिव वर्क, न्यू, आप डेफिनेटली एक जगह पे आप काम कर रहे हैं और आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो वर्कफुल ही नहीं है, आपको आपके वैल्यूज नहीं है, आपके टीम वर्क नहीं है, आपके अंदर जो है पॉलिसीज नहीं है, कोई स्ट्रक्चर नहीं है, टेली वर्क नहीं है, क्वालिटी मैनेजमेंट नहीं है, तो इट मीन्स इट्स नॉट प्रॉपरली ऑर्गेनाइज, ठीक है। तो जिसके अंदर ऑप्टिमाइज सोशल टेक्निकल सिस्टम या ऑर्गेनाइजेशन की वर्क डिजाइन, कम्युनिकेशन, टीम वर्क, क्रू रिसोर्सेज, सब चीजें ऑर्गेनाइजेशन की जब आती हैं तो उसको ऑर्गेनाइजेशनल ऑर्गोनॉमिक्स बोलेंगे, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल ऑर्गोनॉमिक्स डील विद ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स, पॉलिसीज, प्रोसेस इन द वर्क एनवायरमेंट, शिफ्ट वर्क स्केड्यूल, सर्टिफिकेशन, मोटिवेशन, सुपरविजन, टीम वर्क, टेलीकम्युनिकेटिंग एंड एथिक्स, ये ज्यादा बेसिकली ऑर्गेनाइजेशनल ऑर्गोनॉमिक्स के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं होगा तो प्लीज, अगर फॉर एग्जाम्पल एक 9 आवर की जॉब कर रहे हैं और अंडर द इन द सुपरविजन और उसको वर्कफुली जो है शिफ्टिंग वर्क जो है स्केड्यूल नहीं मिल रहा, सर्टिफिकेशन नहीं मिल रही, उसके मैनर्स नहीं मिल रहे, इट इज नॉट इंक्लूडिंग कि उसको ऑर्गोनॉमिकली नहीं है, तो ये सब चीजें क्या होती है ऑर्गोनॉमिक्स के अंदर आती है, ठीक है। दिस इज द ऑर्गेनाइजेशनल जो है वर्क प्लेसेस के अंदर टीम जो असिस्ट टेली वर्किंग एंड क्वालिटी मैनेजमेंट के अंदर जो है असिस्ट करती है, दिस इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशनल की एक बंदा है जिसकी कंपनी है वो मैनेजर हायर कर रहा है, देन हैव द छोटे छोटे, तो इसको इज रेस्पॉन्सिबिलिटी, दिस इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशनल। इम्पोर्टेंस क्या है आपके ऑर्गोनॉमिक्स, व्हाई वी स्टडी, क्यों मतलब ऑर्गेनॉमिक्स हम पढ़ क्यों रहे हैं, हमारी बॉडी के अंदर क्यों जरूरी है, आपको क्यों जरूरी है, बिकॉज ऑफ योर ओन ओवरऑल हेल्थ। अगर फॉर एग्जाम्पल आपको फिजिकली आप जो है बॉडी के अंदर जो है आपकी ऑर्गोनॉमिकली आपके फिजिकली ऑर्गोनॉमिकली सही नहीं होगी तो डेफिनेटली चांसेस आपको इंजरीज हैं, आपकी इंजरीज हेल्थ को इफेक्ट करती हैं। अगर मेंटली कॉग्निटिव अगर ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गोनॉमिकली जो है ना मेंटली जो प्रोसेस है वो आप अगर सही नहीं हो रहा ऑर्गेनॉमिकली नहीं है तो मेन चांसेस ऑफ योर डिप्रेशन एंजाइटी, और उसके बाद ऑर्गेनाइजेशनल अगर ऑर्गेनाइजेशनल और जो इंडस्ट्रीज है ऑर्गेनाइजेशन जिसके अंदर वर्क प्लेस है टीम वर्क नहीं है तो इट कैन नॉट बी ट्रू, आपकी पूरी ओवरऑल हेल्थ मेंटली एंड साइकोलॉजिकली जैसे हमने फर्स्ट स्लाइड में पढ़ा था
ऑर्गोनॉमिकली आपकी बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ओवरऑल जो इम्पोर्टेंस है ऑर्गोनॉमिक्स की, हम जो भी पढ़ रहे हैं ओवरऑल हेल्थ की वजह से पढ़ रहे हैं। मोस्ट ऑफ अस डिड नॉट हैव ऑन पर्सनल कंप्यूटर एंड डेस्कटॉप एंड लैपटॉप, बहुत सारे लोगों के पास नहीं होती चीजें। बाय नॉट अप्लाइंग ऑर्गोनॉमिकली इग्नोरेंस वी एक्सेलरेट अ प्रॉब्लम विद आवर बॉडी, बहुत सारे हम भी इग्नोर करते हैं। नाउ अभी भी आप अगर अपनी बॉडी को देखें, या जो लोग बैठे हुए लैपटॉप के अंदर कंप्यूटर के अंदर लेक्चर सुन रहे हैं, तो उनकी जो है डेफिनेटली बॉडी जो ऑर्गोनॉमिकली नहीं है, तो उसके चांसेस हैं। जैसे कोई तकिया दो लगा के बैठा होगा, कोई बेड के ऊपर बैठा होगा, कोई जमीन पे बैठा होगा, उसका जो प्रॉपरली जो आई कॉन्टेक्ट है, इवन मी आई एम नॉट सिटिंग इन अ प्रॉपरली इन मैनर्स के मैं ऑर्गोनॉमिकली नहीं बैठी, ठीक है। तो चांसेस के मेरे अंदर क्या है, चांसेस ऑफ प्रॉब्लम बॉडी के अंदर, इंजरी, छोटी छोटी इंजरी होना कमर के अंदर, नेक के अंदर, ठीक है। ऑल बिफोर अवर टाइम ऑर्गोनॉमिकली अगर हम इसको फॉलो नहीं करेंगे तो बुढ़े जल्दी हो जाएंगे, ठीक है। बिकॉज इफेक्ट आर नॉट इमीडिएट, वेरी लाइटली, जल्दी इफेक्ट नहीं आता। जैसे अब बहुत सारे लोग उठ के जो है अपनी पोस्चर सही कर रहे होंगे, तो उनको पेन जो अगर हिटिंग हो रही होगी वो सही हो जाएगी, ठीक है। लेकिन इंटरनली क्या हो रहा है, उसको डैमेज हो गया है स्टार्ट, तो जैसे दोबारा दोबारा वो मिस्टेकली जैसे करेगा, जैसे नेक, अगर किसी को नेक पेन हो रहा है, ठीक है, अगर उसने अपना पोस्चर सही कर लिया, सब बच्चों ने अगर अपना पोस्चर सही कर लिया नेक को, तो उस टाइम तो पेन खत्म हो गया, लेकिन आपके अंदर बॉडी के अंदर वो पेन स्टार्ट, इंजरी स्टार्ट हो गई। अगर दोबारा आप ऑर्गोनॉमिकली नहीं बैठेंगे तो इसका मतलब है आप वो दोबारा उस चीज को हिट करें। तो ऐसे ही जो है पुअर पोस्चर जो है आपका पेन, नेक पेन, बैकेज जो है वो क्या करते हैं, ऑर्गोनॉमिकली अगर नहीं होते तो इफेक्ट जो है इमिडिएटली नहीं आता। आप उस जगह पे आहिस्ते आहिस्ते उस चीज को क्या करता है, डैमेज करता है। पोस्चरल जो अपने फॉल्ट होते हैं, एक्सरसाइज नहीं, लेजी, ड्रैगिंग वॉक ओल्ड एज के अंदर, और ऐसे ये सब चीजें जो होती है आपके अपने हाथ के अंदर होती है, ठीक है। जिसको जवान रहना है वो ऑर्गोनॉमिकली जो है ना अप्लाई करेगा, जिसको जल्दी बूढ़ा होना है दे डोंट केयर अबाउट दैट, देन डोंट यूज द ऑर्गोनॉमिक्स, ठीक है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, प्रिवेंट पहले ही करें तो इससे अच्छा है क्योर हो जाए, तो इससे अच्छा है कि हम उस चीज को ना करें। डू यू नोटिस योर स्ट्रेंथ, अब ये मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, आपने अपनी कभी स्ट्रेंथ को नोटिस किया है कि आप जो है जब पोस्चर चलते हो तो फॉरवर्ड स्टूपिंग गेट तो नहीं होता, स्लीपिंग फेस जो है ना कैसे होता है, रेस्टिंग कॉपिंग स्ट्रेंथ बैक, डू यू नो व्हेन सिट इन योर बैक फील एटलीस्ट 2 to 3 times योर बॉडी वेट, ये सब चीजें पता है आपको, इसकी इम्पोर्टेंस है, ठीक है। Do you know chairs are the modern intervention? Our bodies were not designed to sit down all the day. सारा दिन बैठना नहीं है हमें, आपकी डिजाइन जो है लाइट बॉक्स नहीं, आपकी आईज, रिस्ट और नॉट डिजाइन टू ट्विस्ट द मॉस एंड अलाउ टाइम द राइट द एल शेप, ठीक है। आपकी रिस्ट जो है सिर्फ मोड़ने के लिए नहीं है, बहुत सारे उससे काम आप ले सकते हैं, ठीक है। Why do we sit the We sit at your computer desk. We think it's our fault or the lack of discipline. Actually, because of the computer workstation are not designed to fit it. Okay? We slot, bend, push up, neck, forward, close, look at the screen. Simply because it's more comfortable that way. Our body are very flexible, resistant, but if we do this in a day and out, we keep the eye straining muscular cell. We cannot be ignored without the suffering. इसका मतलब है कि why do we sit the way, क्योंकि हम we sit at your computer, क्योंकि जो computer worker रोज बैठते हैं definitely, we think हम यही सोचते हैं कि हमारा fault है, हमारी lack of discipline है। basically क्या होता है कि जो वर्क स्टेशन के अंदर कंप्यूटर की chairs और टेबल वो जो स्क्रीनिंग पड़ी होती है उसके अंदर वो जो बैठते हैं वो कंफर्टेबली हम फील करते हैं। अब डेफिनेटली आप अगर ऑर्गोनॉमिकली चेयर पे आप बैठो तो आप कभी भी कंफर्टेबल नहीं हो सकते, आपकी कंफर्टेबल सीट नहीं होती वो। जब आप अलाइनमेंट ऑफ द जो
सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपकी पास होती है, आप उस चेयर के अंदर बैठोगे, द पर्सन कैन नॉट फील द कंफर्ट. कंफर्ट वो होता है जब आपकी इम्प्रॉपर पोजिशनिंग होती है, उसके अंदर कंफर्ट होता है. जैसे आप बहुत सारे लोग चेयर पे ऊपर टांग उठा के बैठे होंगे, बहुत सारे एक लेग नीचे एक लेग ऊपर, तो ये कंफर्टेबल है, ठीक है. लेकिन ये क्या है, आपकी जो रिपीटेटिव स्ट्रेट इंजरी है, जो आप ऑर्गोनॉमिकली इग्नोर कर रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, मस्कुलोस्केलेटन और आई स्ट्रेन के डिसऑर्डर्स के अंदर जा रहे हो, ठीक है. Ergonomically fit the job to worker, when used ergonomy important to get the right equipment and the right individual, definitely jo hai aapka too little or too much nahi hona chahiye. Ye picture yahi show kara rahi hai ki bed bahut chhota hai aur ek 6 feet ka banda hai to is bed pe nahi let sakta, wo apni taange latka latka ke soega to definitely iske andar ankle ke andar injuries aa jayenge. बहुत छोट बहुत बड़ा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है. बेड चेयर छोटी है, जो अगर फॉर एग्जाम्पल बच्चे बैठ जाएंगे, लेकिन जो अडल्ट है उसके लिए बहुत छोटी है, ठीक है. तो बहुत बड़ी भी नहीं होनी चाहिए चीज. एक बॉल है जिसके अंदर मैगी है शायद, तो बहुत ज्यादा मैगी खाएंगे तो इंटेस्टाइन की इन्फ्लेमेशन हो जाएगी. तो नॉट टू लिटिल नॉट टू मच. डिस्प्ले ऑर्गोनॉमिकली जो है प्रोडक्टिविटी ऑफ कंपनी को डेफिनेटली एक पर्सन है तो उसकी जो है उसकी जो अगर प्रोडक्ट अगर उसकी ऑर्गोनॉमिकली सही होगा, रजिस्ट्रेशन सही होगा, उसको एम्प्लॉयमेंट अच्छी होगी, उसको पैसे भी उतने ही मिलेंगे जितना वो काम कर रहा है, उसकी टीम वर्क होगा, उसकी ऑर्गोनॉमिकली आपकी मेंटली और जो है ना फिजिकली ऑर्गोनॉमिकली होगा, तो डेफिनेटली उसकी क्या होगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी. लैक ऑफ ऑर्गोनॉमिक वर्क प्लेसेस क्या होंगे, क्या क्या चीजें आपकी अगर ऑर्गोनॉमिकली वर्क प्लेस के अंदर नहीं काम करते तो कंपनीज को क्या क्या नुकसान होते हैं. एम्प्लॉयज के लिए डेफिनेटली लॉन्ग टर्म हेल्थ एम्प्लॉयज को देते हैं, कंपनी मोरल देते हैं, टर्नओवर देते हैं. अगर एर्गोनॉमिकली नहीं है तो किसी को बैकएक हो रहा है तो 15 दिन की छुट्टी पे जा रहा है तो उस कंपनी का क्या लॉस हो रहा है, उसकी प्रोडक्टिविटी लॉस हो रही है, ठीक है. प्रोडक्ट क्वालिटी लॉस होगी डेफिनेटली. मेंटली अगर कोई काम सही नहीं करेगा, टीम वर्क नहीं करेगा, तो डेफिनेटली वो मेंटली डिस्टर्ब होगा. लॉस ऑफ कंपनसेटिंग क्लेम की कंपनीज को फिर नुकसान होता है, ठीक है, कि उसको क्लेम कंपनसेट करे कि अगर एक मंथ की छुट्टी पे जा रहा है तो उसको पे भी दे रहा है लेकिन उसका काम वो नहीं हो रहा. तो ये कंपनीज के अंदर क्या होती है, जो वर्क प्लेसेस के अंदर होते हैं वो नुकसान होते हैं. अगर आपकी जॉब फिट है तो मोर कंफर्टेबल है. अगर आप मोर कंफर्टेबल है तो आप काम करेंगे, ज्यादा देर तक करेंगे, नेगेटिविटी नहीं आएगी, डिजाइन आप प्रॉपरली करेंगे, काम ज्यादा करेंगे, फिजिकली साइकोलॉजिकली आप अपने उसको देख के काम करेंगे और जो है इंजरीज को कम करेंगे. इम्पोर्टेंस क्या है ओवरऑल हेल्थ की, सारे प्रॉब्लम को अपनी बॉडी से निकाल दें. फिजिकली और मेंटली स्ट्रेस तो कम इम्पोर्टेंस जो है ना काम करता है कि फिजिकली और मेंटली स्ट्रेस नहीं हो. जॉब जो जो वर्कर है उसको जो है ना जॉब फिट कर जाती है, जॉब इजियर हो जाती है, परफॉर्मेंस एम्प्लॉय की इंप्रूव हो जाती है, वर्क सेफ्टी इंप्रूव हो जाती है. डेफिनेटली परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी तो कंपनी की प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होगी. डिक्रीज क्या होगा, मेडिकल जो है टर्न ओवर एब्सेंस जो है ना डेफिनेटली वर्क जो एम्प्लॉय होगा उसका कम होगा, वो एक्टिव होगा, मेडिकली लीव पे नहीं जाएगा, टर्न ओवर नहीं लेगा, एब्सेंट नहीं होगा, प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्ट क्वालिटी इंक्रीज होगी.